Today, in the subject of the manufacturing technology, we will discuss about the unit first. In this unit first, we have the syllabus of the principles of the forging die design. What are the principles of the forging die design? We will study about the... Sir? Haan, bataiye. सर मेरा थोड़ा नेटवर्क वीक है सर, मेरा अटेंडेंस लगा दो, कहीं डिस्कनेक्ट हो जाए। क्या नाम है आपका? प्रिंस सरवा 18MB031। ठीक है, लगा दिया। थैंक यू सर। तो प्रिंसिपल ऑफ द फोर्जिंग डाई डिजाइन आपको इसमें पढ़ना है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स आर देयर इन द केस ऑफ द फोर्जिंग डाई। ये आपको डिजाइन गाइडलाइंस आपको डाई फोर्जिंग के लिए आपको दिया हुआ है, डिजाइन गाइडलाइंस फॉर फोर्जिंग के लिए आपको दिया हुआ है, और डिजाइनिंग फोर्जिंग हॉरिजॉन्टल फोर्जिंग मशीन के लिए दिया हुआ है, डिजाइन गाइडलाइंस फॉर द एक्सट्रूडेड सेक्शन के लिए आपको दिया हुआ है, डिजाइन गाइडलाइंस फॉर द शीट मेटल बैंडिंग के लिए दिया हुआ है, और डिजाइन गाइडलाइंस फॉर द ब्लैंकिंग के लिए आपको दिया हुआ है। जो प्रिंसिपल्स हैं, डिजाइन गाइडलाइंस फॉर द डीप ड्रॉइंग के लिए दिया हुआ है आपको, डिजाइन गाइडलाइंस फॉर द ब्लैंकिंग कंपोनेंट के लिए आपको दिया हुआ है। ये सारे प्रिंसिपल्स को आपको स्टडी करना है, प्रिंसिपल्स ऑफ द फोर्जिंग डाई डिजाइन। फोर्जिंग प्रोसेस आर अमोंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग पार्ट्स ऑफ द हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन। फोर्जिंग जो है, बहुत सारे पार्ट्स आपको फोर्जिंग से बनाए जाते हैं। आपको यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है, एक बिलेट दिखाया गया है, बिलेट को फोर्जिंग ऑपरेशन के थ्रू डिफरेंट शेप में कन्वर्ट करते हैं, है ना, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइबर स्ट्रक्चर का जो डायरेक्शन है वो फोर्जिंग में किस तरह का होता है वो आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। फोर्जिंग इज ए टिपिकल ग्रुप ऑफ द बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस इन विच ए सॉलिड बिलेट इज फोर्स्ड अंडर हाई प्रेशर बाय द यूज ऑफ द प्रेस टू अंडरगो एक्सटेंसिव प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इनटू ए फाइनल नियर टू द फिनिश शेप, है ना। उसमें ये एक बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस है जिसमें सॉलिड बिलेट को
यूज ऑफ द प्रेशर से आपको प्रेशर से यूज करके आपको फाइनल शेप आपको दिया जाता है, यही फोर्जिंग आपको एप्लीकेशन है. अदर एग्जाम्पल्स ऑफ द डिफॉर्मेशन प्रोसेस आर द एक्सट्रूजन. एक्सट्रूजन में इन विच ए लॉन्ग ऑब्जेक्ट विथ ए हाई एल डी रेशियो इज प्रोड्यूस्ड बाय पुशिंग ए मेटल बिलेट थ्रू ए डाई, है ना. एक्सट्रूजन में आपको हाई एल डी रेशियो का आपको मेटल बिलेट बनाया जाता है. ड्रॉइंग इन विच द बिलेट इज पुल्ड थ्रू ए डाई, है ना. डाई में ड्रॉइंग में आपको बिलेट जो है पुल किया जाता है. एंड द रोलिंग इन विच ए स्लेप पास थ्रू द रोल्स मेक ए थिन शीट, है ना. ये सारे आपको डिफॉर्मेशन प्रोसेस है. तो क्या क्या इसमें गाइडलाइंस है, ये आपको गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स आपको एक एक करके आपको आपको बता रहे हैं. वर्टिकल सरफेस ऑफ ए फोर्जिंग मस्ट बी टैपर्ड टू परमिट द रिमूवल ऑफ द फोर्जिंग फ्रॉम द डाई कैविटी एक्सटर्नल 5 to 7 degree, इंटरनल 7 to 10 degree. वर्टिकल सरफेस ऑफ द फोर्जिंग को टैपर आपको जरूर करना है जिससे कि फोर्जिंग डाई कैविटी से आपको बाहर हो सके. ये जो एंगल है आपको एक्सटर्नल और इंटरनल टैपर का आपको दिया हुआ है, ये आपको पहला प्रिंसिपल है. द मैक्सिमम फ्लैग थिकनेस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1/4 inch और लेस देन 1/13 inch ऑन एन एवरेज. जो फ्लैश का थिकनेस है इससे ज्यादा आपको नहीं होना चाहिए, ये दूसरा प्रिंसिपल है. वेव्स आर द सेक्शन ऑफ ए फोर्जिंग नॉर्मल टू द मोशन ऑफ द मूविंग डाई एंड रिब्स आर द रिलेटिवली थिन सेक्शन पैरेलल टू द डाई मोशन. वेव्स जो है आपको आर द सेक्शन ऑफ द नॉर्मल डाई का आपको आपको वेव है. दीज फीचर्स आर इजीएस्ट टू फॉर्म बाय डिफॉर्मिंग द मेटल व्हेन द रिब्स आर नॉट टू हाई एंड नैरो एंड वेव इज रिलेटिवली थिक एंड यूनिफॉर्म. ये वेव्स के बारे में है. चौथा प्रिंसिपल है पार्टिंग लाइन के बारे में है. द पार्टिंग लाइन वेयर द डाई हेल्प्स मीट इज एन इंपॉर्टेंट डिजाइन कंसिडरेशन बिकॉज इट्स लोकेशन हेल्प टू इंफ्लुएंस द ग्रेन फ्लो डाई कास्ट. ये आपको उसमें आपको हेल्प करता है डाई कास्ट एंड द डाई वियर. फॉर ऑप्टिमम इकोनॉमी इट शुड बी केप्ट टू ए सिंगल प्लेन इफ इट ऑल पॉसिबल सिंस दैट विल मेक द डाई सिंकिंग फोर्जिंग एंड द ट्रिमिंग लेस कॉस्टली. पार्टिंग लाइन किस तरह बनाना चाहिए वो आपको यहाँ पर आपको आपको बताया गया है. पार्टिंग लाइन का जो कंसिडरेशन है ऑप्टिमम इकोनॉमी में सिंगल प्लेन में आपको होना चाहिए. Whenever possible in the design of the forging as in the die design of the casting, it is desirable to keep the thickness of the adjacent section as uniform as possible. Rapid changes in the section thickness should be avoided. To avoid the defects of the legs, cracks, radii must be avoided. Design of the forging mein rapid changes in the section thickness wo aapko avoid karna hai. आपको ये डिफेक्ट्स जो आपको दे रहा है क्रैक्स ये रेडियाई ये आपको जनरेट करता है, इसीलिए रैपिड चेंजेज इन द सेक्शन थिकनेस आपको अवॉइड करना है. छठा गाइडलाइंस है मोस्ट फोर्जिंग इज डन एट द एलिवेटेड टेम्परेचर वेयर द फ्लो स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल इज मच लोअर देन द रूम टेम्परेचर इन ऑर्डर टू अकाउंट ऑफ द ऑक्सीडेशन करेक्टिंग फॉर द वर्पेज एंड मिसमैच एंड फॉर द डायमेंशनल मिस्टेक्स ड्यू टू थर्मल कंडक्शन और द डाई वियर मैचिंग अलाउंस हैज टू बी गिवन, है ना. क्योंकि फोर्जिंग आपको एलिवेटेड टेम्परेचर पे होता है तो इसमें ऑक्सीडेशन के लिए करेक्टिंग ऑफ द वेरपेज के लिए मिसमैच के लिए आपको मशीनिंग अलाउंस आपको आपको देना होगा तभी जो है, क्योंकि फोर्जिंग के करने के बाद जो है सेकेंडरी ऑपरेशन फिनिशिंग ऑपरेशन किया जाता है तो ये आपको मशीनिंग अलाउंस आपको दिया होगा. ये आपको 6 गाइडलाइंस आपको दिया हुआ था डाई फोर्जिंग के बारे में, है ना. वर्टिकल सरफेस के बारे में, मैक्सिमम फ्लैस थिकनेस के बारे में, वेव्स के बारे में, पार्टी लाइन के बारे में, वेयर एवर पॉसिबल इन द रैपिड चेंजेज इन द सेक्शन थिकनेस के बारे में, और दूसरा है मशीनिंग अलाउंस के बारे में. ये इसके बारे में आपको था. अगला है डिजाइन गाइडलाइंस फॉर फोर्जिंग. फोर्जिंग के लिए क्या क्या जो है गाइडलाइंस होना चाहिए. बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस प्रेस यूज फॉर द काउजिंग एक्सटेंसिव बल्क प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. एक्सट्रूजन जो होता है उसमें हाई लेंथ बाय डायमीटर रेशियो होता है ना. जनरली हॉट वर्किंग
carried out at the extensive plastic deformation causes the metallurgical changes, porosity, close-up, grain structure, second phase deformed at elongated principal direction of the working, creating for the fiber structure. आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है जो आपको काउच करता है, मेटलर्जिकल चेंज में काउच करता है, ग्रेन स्ट्रक्चर में आपको चेंज लाता है, सेकेंडरी फेज में चेंज लाता है, ये सारा आपको आपको फाइबर स्ट्रक्चर कन्वर्ट करता है फोर्जिंग में. प्रॉपर्टीज आर नॉट सेम ऑन ऑल द डायरेक्शन ऑफ द मैक्सिमम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुड बी अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ द पार्ट एंड नीड्स टू बी कैरी आउट मैक्सिमम स्ट्रेस. है ना, ओपन डाई फोर्जिंग यूज फ्लैट डाई और द सिंपल शेप्स. है ना, ये आपको बताता है फोर्जिंग डिजाइन प्रिंसिपल क्या है. एक एक करके आपको मैं सारे प्रिंसिपल को आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं. फोर फ्लैट डाई फोर्जिंग, इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर सिलिंड्रिकल एलिमेंट शुड बी अवॉइडेड, रिब क्रॉस सेक्शन शुड बी अवॉइडेड. है ना, फ्लैट डाई फोर्जिंग में इंटरसेक्शन को अवॉइड करना चाहिए, रिब क्रॉस सेक्शन को अवॉइड करना चाहिए. बॉसेस प्रोजेक्शन पैड should be avoided on main surface of the forging project inside the prongs of the fork type wants to be provided. है ना, ये आपको avoid करना चाहिए. आपको bosses, projection pads इस तरह जो है आपको avoid करना चाहिए. ये आपको इसके बारे में दिया हुआ है. Replace components having complex shape by units consisting of the simple welded or assembled element. Complex shape को नहीं रखना चाहिए, हटाना चाहिए, उसको आप वेल्डिंग से कीजिए, असेंबल्ड एलिमेंट से कीजिए. है ना, रिप्लेस कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हैविंग द कॉम्प्लेक्स शेप. फोर्जिंग में आपको कॉम्प्लेक्स शेप वो आपको नहीं बनाना चाहिए. आपको कॉम्प्लेक्स शेप का कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, ये आप जो है दूसरे मेथड से आप बनाइए. डिजाइनिंग फोर्जिंग फॉर द हॉरिजॉन्टल फोर्जिंग मशीन, द वॉल थिकनेस ऑफ द फोर्जिंग विद द डीप throw or the blind hole should not be less than 0.1 mm of the outside diameter. आपको wall thickness का जो है, आपको इसके बारे में, आपको blind holes का ये आपको यहाँ पे बता रहा है. Reduction in the cross section along the length of the forging should be avoided because they inside metal flow during the forging process. Cross section में reduction को आपको हटाना चाहिए, वो आपको नहीं रखना चाहिए. Number third, shanks of taper form are also difficult to forge and those should be replaced by the cylindrical shanks. Taper आपको नहीं रखना चाहिए, ये आपको cylindrical shanks के according आपको करना चाहिए. Number four, volume of the located at the ends or in the middle of the forging must not exceed the volume of a bar having the given diameter D and the length 10-12 diameter. Middle of the forging में आपको जो वॉल्यूम है आपका बार्ज का, वो आपको इस डायमीटर में आपको रखना चाहिए. ड्राफ्ट फॉर दिस टाइप ऑफ द फोर्जिंग मे बी वेरी स्मॉल एंड ड्राफ्ट 0.5 इज सुटेबल फॉर द सिलिंड्रिकल सेक्शन ऑफ द फोर्जिंग अपसेट विथ पंच कैविटी ऑफ ए लेंथ मोर देन ऑफ डायमीटर. ए ड्राफ्ट ऑफ द 0.5 1/4 इज सुटेबल फॉर शोल्डर्स फॉर्म इन द सर्कुलर इम्प्रेशन ऑफ द डाई ऑन द वॉल ऑफ द ब्लाइंड होल विथ ए लेंथ ऑफ द 5 or more diameter. ये आपको करना चाहिए. Transition from one surface to another must have a fillet with radii from 1.5 to 2 mm. है ना? Transition from the one surface to another आपको ये radii आपको ये होना चाहिए. Carbon and alloy steel fasteners and similar part having an annealed hardness BHN are produced by the cold heading. In cold heading the head should be simple from a minimum volume of the diameter. Closed tolerance should not be specified by the headed parts of the die. ये आपको क्या क्या डिजाइन प्रिंसिपल आपको होना चाहिए वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है. पहले आपने 6 प्रिंसिपल आपने डाई फोर्जिंग का पढ़ा, फिर उसके बाद जो है डिजाइन गाइडलाइंस फॉर फोर्जिंग में क्या क्या एडॉप्ट करना चाहिए, क्या एडॉप्ट नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है. और डिफरेंट पार्ट्स का कैसे आपको फोर्जिंग में हो आपको यूज होता है उसके बारे में गाइडलाइंस आपको दिया हुआ है. डिजाइन गाइडलाइंस फॉर द एक्सट्रूडेड सेक्शन, एक्सट्रूडेड सेक्शन जब बनाते हैं तो क्या क्या गाइडलाइंस रखा जाता है उसके बारे में यहां पर आपको बताया जा रहा है.
areas of the billet and extrusion and corresponding diameter corresponded to A0, A1, D0, D1. Engineering strength to be accounted, this one. Strength rate affected to be considered. ये आपको आपको consider करने के लिए आपको बोल रहा है. Hot extrusion temperature and its effect on oxidation, flow of material, surface finish, ये आपको consider करना है. Selection of the type of the extrusion, cold होगा, hot होगा, impact होगा, hydrostatic होगा, ये आपको करना है. Selection of the extrusion process based on the material, impact of the extrusion of the soft material, hot extrusion for the steel material, cold extrusion for the ductile material and cladded extrusion for the zirconium material. कौन सा एक्सट्रूजन प्रोसेस यूज किया जाएगा वो मटेरियल पर आपको डिपेंड करता है. सिलेक्शन ऑफ द एक्सट्रूजन प्रोसेस डिपेंड, सॉफ्ट मेटल होगा तो इंपैक्ट एक्सट्रूजन करेंगे, हॉट एक्सट्रूजन स्टील के लिए करते हैं, डक्टाइल मटेरियल के लिए कोल्ड एक्सट्रूजन करते हैं, जर्कोनियम एलॉयज के लिए क्लेडेड एक्सट्रूजन करते हैं. सिलेक्शन ऑफ द एक्सट्रूजन प्रोसेस आपको इसी पर डिपेंड करेगा, है ना. तो ये आपको बता रहा है, गाइडलाइंस दे रहा है. दूसरा एक्सट्रूजन डिजाइन टिप्स. Wall thickness based on the strength and cost profile with uniform wall thickness are the simplest to produce. Wall thickness with a profile can be varied. Radii use corner soft lines. Bisymmetrical have a small circumscribing servil, not have deep narrow channels. Solid profiles if possible. Fewer cavity in the hollow profiles. Profile width to height ratio 1:3. Decoration, symmetrical shape, narrow shapes with the deep gaps can use the problems. And design guidelines for the sheet metal bending. Sheet metal bending के लिए आपको design guideline वो आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है. Minimum inside radius, radius equal to the material thickness. जो inside radius का आपको जो radius होगा वो material thickness के equal होगा. ये sheet metal bending में ये आपको प्रिंसिपल बताया जा रहा है कि जब सीट मेटल बेंडिंग आप करेंगे तो जो इनसाइड रेडियस होगा वो मिनिमम जो होगा वो मटेरियल थिकनेस के बराबर होगा. बेंड रेडियस 4 to 8 टाइम्स मटेरियल थिकनेस टू अवॉइड क्रेकिंग. बेंड रेडियस जो है आपको इतना ले आपको लेना चाहिए क्रेकिंग को अवॉइड करने के लिए. मिनिमम फ्लैंज लेंथ 4 टाइम्स मटेरियल थिकनेस. जो फ्लैंज का लेंथ लेंगे वो मटेरियल थिकनेस का 4 टाइम होगा. बैंड रिलीफ लेंथ ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द बैंड. आपको बैंड अलाउंस द लेंथ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस इज बैंड इज गिवन बाय. ये आपको दिया हुआ है ना. तो यहां पर फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, अल्फा इज द बैंड एंगल, आर बी इज द बैंड रेडियस, है ना. तो टी थिकनेस जो है आर बी कितना लेंगे, 2t से ज्यादा लेंगे, 2t से कम लेंगे, आपको यहां पर आपको बताया हुआ है कि बराबर 0.5 के लिए. ये आपको बेंड एंगल का आपको बताया हुआ है. नंबर 5 बेंड अक्रॉस मेटल ग्रेन बाय अवॉइड क्रैकिंग. मेटल ग्रेन में क्रैकिंग को हटाने के लिए बेंडिंग अक्रॉस करना चाहिए. बेंड रेडियस शुड नॉट बी लेस देन सीट थिकनेस. बेंड रेडियस आपको सीट थिकनेस से कम जो है आपको नहीं होना चाहिए, है ना. सभी के लिए आपको बताया हुआ है. डिजाइन गाइडलाइंस फॉर द ब्लैंकिंग. ब्लैंकिंग के लिए क्या क्या डिजाइन गाइडलाइंस हैं वो आपको यहां पर बताया जा रहा है. सिंपल ब्लैंक कॉन्टूर्स टू बी यूज एज ए डाई कॉस्ट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड द इंटेंसिटी ऑफ द कॉन्टूर ऑफ द ब्लैंक. सिंपल ब्लैंक कॉन्टूर जो है यूज किया जाता है वो ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द कॉन्टूर ऑफ द ब्लैंक. इट मे बी लेस एक्सपीरियंस टू कंडक्ट ए कॉम्पोनेंट फ्रॉम द सेवरल सिंपल पार्ट देन टू मेक एन इंटीग्रेट ब्लैंक पार्ट, है ना. Notching a blank along one edge results in an unbalanced force that makes it difficult to control the dimension as accurately as with blanking around the entire contour. Use total tolerances of the blank part 0.07 mm. And diameter of the punched hole should not be less than thickness of the seat. Minimum distance between the holes or the between the hole and the edge of the seat thickness. If holes to be threaded, the seat thickness must be least 1/2 the thread diameter. Design guidelines for the stretching on and deep drawing. Deep drawing में ये सारे guidelines आपको दिए हुए हैं. ये जहां पर operation होता है वहां पर आपको industry में आपको रखा जाता है और इसी guidelines के द्वारा
वहां पर जो है सारे काम जो है वो आपको किया जाता है, जहां पर डिप ड्रॉइंग करना है, जहां पर ब्लैंकिंग करना है, जहां पर बेंडिंग करना है, जहां पर फोर्जिंग करना है, ये गाइडलाइंस वहां पे रखा रहता है। और ये गाइडलाइंस के थ्रू जो है आपको ऑपरेशन वहां पर इंडस्ट्री में किया जाता है, यही गाइडलाइंस आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है। डिजाइन गाइडलाइंस फॉर स्ट्रेचिंग एंड डीप ड्रॉइंग, डीप ड्रॉइंग डिफॉर्मेशन कंडीशन आर डिफरेंट देन इन द स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग से आपका डीप ड्रॉइंग डिफॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट है। सक्सेस इन डीप ड्रॉइंग इज इनहेंस्ड बाय द फैक्टर दैट रिस्ट्रिक्ट द थिनिंग डाई रेडियस अबाउट द 10 टाइम्स द सीट थिकनेस, ए लिबरल पंच रेडियस एंड एडिक्वेट क्लियरेंस बिटवीन द पंच एंड डाई। डीप ड्रॉइंग इज फैसिलिटेटेड इफ क्रिस्टलोग्राफिक टेक्सचर ऑफ सीट इज सच दैट द स्लिप मैकेनिज्म फेवर डिफॉर्मेशन इन विड्थ डायरेक्शन ओवर द स्लिप इन द थिकनेस डायरेक्शन ऑफ द सीट प्लास्टिक स्ट्रेन रेशियो आर इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू द स्ट्रेन विद डायरेक्शन ऑफ द टेंशन स्पेसिमेन। है ना, किलर गुडविन फॉर्मिंग द लिमिट डायग्राम ए मटेरियल ऑफ द ग्रेटर फॉर्मेबिलिटी इन विच द फॉर्मिंग लिमिट डायग्राम वॉज एट द हायर वैल्यू कुड बी सेफ टू अवॉइड द फेल्यूअर। द फेल्यूअर कुड बी इलिमिनेटेड बाय चेंजिंग मेटल फ्लो बाय द आइदर डिजाइन चेंजेस टू द डाई और पार्ट सो दैट द स्ट्रेन रेट इज सेफ जोन। है ना, तो ये आपको डिजाइन गाइडलाइंस फॉर द स्ट्रेचिंग एंड डीप ड्रॉइंग के लिए ये आपको 5 गाइडलाइंस आपको दिए हुए हैं। है ना, नाउ डिजाइन गाइडलाइंस फॉर द ब्लैंकिंग कंपोनेंट। डिजाइन गाइडलाइन ब्लैंकिंग कंपोनेंट के लिए क्या क्या होना चाहिए वो आपको यहां पर आपको दिया हुआ है। प्रोफाइल शेप शुड नॉट बी कंटेन नैरो प्रोजेक्शन। ब्लैंकिंग में आपको प्रोफाइल जो है नैरो प्रोजेक्शन उसमें आपको नहीं होना चाहिए। इंटरनल पंच्ड होल शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द ईच अदर। जो आपको इंटरनल पंच्ड होल है एक दूसरे से सेपरेट करना चाहिए। डायमेंशंस ए टू डी शुड बी ग्रेटर देन द ट्वाइस द थिकनेस ऑफ द सीट थिकनेस। इट इज गुड प्रैक्टिस टू हैव द रिलीफ कटआउट डायमेंशन एस डी एट द एंड्स ऑफ द प्रपोज्ड बैंड। है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर द डिफरेंट मटेरियल मस्ट बी लिमिटेड एंड कंपेयर टू द परमिसिबल मैक्सिमम वैल्यू। लोवर्स आर फॉर्म फॉर द कूलिंग पर्पस द लेंथ ऑफ द फ्रंट एज ऑफ द लोवर मस्ट बी ग्रेटर देन ए सर्टन मल्टीपल ऑफ द लोअर ओपनिंग हाइट डिटरमाइंड बाय द मटेरियल डक्टिलिटी एंड द इंड रैंप एंगल। ये आपको दिया हुआ है। लोवर्स आर फॉर्म फॉर द कूलिंग पर्पस। है ना, ये सारे आपको गाइडलाइंस हैं जो आपको प्रिंसिपल डाई डिजाइन के फोर्जिंग में आपको यूज होते हैं। है ना, प्रिंसिपल ऑफ द फोर्जिंग डाई डिजाइन में सभी के लिए क्या क्या करना चाहिए। फोर्जिंग प्रोसेस है ये, बिलेट को प्रेशर दे करके उसको शेप में बदलते हैं। है ना, तो इसके प्रिंसिपल में आपको यही बताया हुआ है। डिजाइन गाइडलाइंस फॉर द क्लोज डाई फोर्जिंग। क्लोज डाई फोर्जिंग के लिए आपको क्या गाइडलाइंस होगा वो बताया गया है। डिजाइन गाइडलाइंस फॉर फोर्जिंग, क्या डिजाइन गाइडलाइंस फॉर फोर्जिंग होगा। डिजाइन गाइडलाइंस फॉर द हॉरिजॉन्टल फोर्जिंग मशीन। हॉरिजॉन्टल फोर्जिंग मशीन में क्या गाइडलाइंस होगा। डिजाइन गाइडलाइंस फॉर द एक्सट्रूडेड सेक्शन। एक्सट्रूडेड सेक्शन में क्या गाइडलाइंस होगा। डिजाइन गाइडलाइंस फॉर द सीट मेटल बेंडिंग। सीट मेटल बेंडिंग में क्या क्या डिजाइन गाइडलाइंस आपके होने चाहिए। डिजाइन गाइडलाइंस फॉर द ब्लैंकिंग। ब्लैंकिंग में क्या क्या आपके डिजाइन गाइडलाइंस हैं। एंड डिजाइन गाइडलाइंस फॉर द डीप ड्रॉइंग। डीप ड्रॉइंग में क्या क्या आपको डिजाइन रूल्स हैं। और डिजाइन रूल्स फॉर द ब्लैंकिंग कॉम्पोनेंट। वह ब्लैंकिंग कॉम्पोनेंट में क्या क्या आपको डिजाइन गाइडलाइंस हैं। इसी को आपको जो है इसी को आज पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ द फोर्जिंग डाई डिजाइन। है ना, तो ये आपका यहाँ पर आपका प्रिंसिपल ऑफ द फोर्जिंग डाई डिजाइन आपका कंप्लीट हो गया। मैं आपको फिर से अटेंडेंस लेकर के फिर से इसको रिपीट कर दूंगा। इसको मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगा आपको इसको जो है। शेखर जी इज प्रेजेंट।
25 कौशल जी इज प्रेजेंट, 39 रौनक जी इज प्रेजेंट, 12 दीपांशु जी इज प्रेजेंट, हृदेश 19 इज प्रेजेंट, राहुल जी 32 इज प्रेजेंट, राखी कुमारी 37 इज प्रेजेंट, आशीष इज 7 इज प्रेजेंट, है ना। तो आज जो जो प्रेजेंट है, आशीष जी 7, राखी कुमारी जी 37, राहुल जी 32, हृदेश जी 19, दीपांशु चौधरी 12, रौनक कुमार 39, 25 कौशल जी एंड 41 शेखर जी, इतने आज प्रेजेंट हैं। तो हम जो बात कर रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ द फोर्जिंग डाई डिजाइन, प्रिंसिपल ऑफ द फोर्जिंग डाई डिजाइन गाइडलाइंस क्या क्या है, वो उसी के बारे में बात कर रहे थे, है ना। तो फोर्जिंग प्रोसेस आर अमोंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग पार्ट फ्रॉम द हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन। फोर्जिंग प्रोसेस से बहुत सारा एप्लीकेशंस जो है, बहुत ज्यादा पार्ट जो है वो आपको बनाया जाता है। फोर्जिंग इज ए टिपिकल ग्रुप ऑफ द बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस इन विच ए सॉलिड बिलेट इज फोर्स्ड अंडर द हाई प्रेशर। एक सॉलिड बिलेट है, सॉलिड बिलेट का आपको फिगर आपको दिखाया गया है। सॉलिड बिलेट को प्रेशर दे करके, आपको हाई प्रेशर दे के इसके पार्ट्स जो है आपको बनाया जाता है, है ना। ये यही आपका फोर्जिंग ऑपरेशन है। फोर्जिंग अदर एग्जाम्पल्स ऑफ द डिफॉर्मेशन प्रोसेस आर द एक्सट्रूजन, ड्रॉइंग एंड द रोलिंग। एक्सट्रूजन है, ड्रॉइंग है, रोलिंग है। एक्सट्रूजन में लॉन्ग ऑब्जेक्ट विद द हाई एलडी रेशियो, लेंथ टू डायमीटर रेशियो इज प्रोड्यूस्ड बाय पुशिंग ए मेटल बिलेट थ्रू ए डाई। ड्रॉइंग में इन विच ए बिलेट इज पुल्ड थ्रू ए डाई। रोलिंग में इन विच ए स्लैब इज पास थ्रू द रोल्स टू मेक ए थिन शीट। ये आपको तीन ऑपरेशन आपको एक्सट्रूजन, ड्रॉइंग और रोलिंग आपको यहाँ पर बताया गया है। रोलिंग में जो है स्लैब को रोल्स के बीच में आपको पास किया जाता है। ड्रॉइंग में आपको बिलेट को डाई से खींचा जाता है, है ना। एक्सट्रूजन में लॉन्ग ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, हाई एलडी रेशियो में आपको मेटल बिलेट को ये बनाया जाता है। ये आपको एक्सट्रूजन प्रोसेस है, ये आपको ड्रॉइंग प्रोसेस है, ये आपको रोलिंग प्रोसेस है, है ना। फोर्जिंग में आपको बिलेट में प्रेशर देके आपको बनाया जाता है। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइबर स्ट्रक्चर डायरेक्शन आपको किस तरह होगा, आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। जो पहले बिलेट में आपको इस तरह का फाइबर डायरेक्शन था, फोर्जिंग के बाद इसका फाइबर डायरेक्शन आपको इस तरह का हो गया। फोर्जिंग के बाद डायरेक्शन ऑफ द फाइबर स्ट्रक्चर आपको चेंज कर जाता है। ये आपको डायरेक्शन ऑफ द फाइबर स्ट्रक्चर है, है ना। तो इसीलिए चूंकि डायरेक्शन ऑफ द फाइबर स्ट्रक्चर चेंज कर जाता है, तो आपका जो उसका स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ आपको वेरी कर जाता है। तो इस तरह बनाया जाता है पार्ट कि जो है हाई स्ट्रेंथ का पार्ट हो, है ना। इसको हाई स्ट्रेंथ का पार्ट हो तो इसको इसी तरह से बनाया जाता है कि आपको फाइबर स्ट्रक्चर जो है ठीक से ग्रेन करे। उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको रूल्स वगैरह बनाए हुए हैं, है ना। उसी के अकॉर्डिंग रूल्स बनाए हुए हैं। डिजाइन गाइडलाइंस फॉर द क्लोज डाई फोर्जिंग। क्लोज डाई फोर्जिंग में आपको डिजाइन गाइडलाइंस क्या क्या है वो आपको यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। वर्टिकल सरफेस ऑफ ए फोर्जिंग मस्ट बी टेपर्ड। वर्टिकल सरफेस जो है, कभी भी जब बनाते हैं वर्टिकल सरफेस बनाते हैं फोर्जिंग में, तो उसको टेपर किया जाता है ना, जिससे कि जो है आपको डाई कैविटी से उसका रिमूवल आसान हो सके। तो उसमें एक्सटर्नल टेपर कितना दिया जाता है, 5 to 7 degree, और इंटरनल टेपर कितना दिया जाता है, 7 to 10 degree। बहुत ही आसान है, ये सारे जो प्रिंसिपल दिए हुए हैं, सिर्फ इसको आपको वहां पर जहां पर इंडस्ट्री में ऑपरेशन होता है तो वहां पे आपको रखना है, और वो आपको आसान गाइडलाइंस आपको बताया हुआ है। तो पहला है आपका, आपको टेपर प्रोवाइड करना चाहिए वर्टिकल सरफेस में। दूसरा है द मैक्सिमम फ्लेस थिकनेस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1/4 inch। फ्लैश का जो थिकनेस है फोर्जिंग में,
आपको 1/4 inch से ज्यादा होना चाहिए, ये रहता है, और लेस देन 1/32 inch ऑन एन एवरेज। ये आपको फ्लैश थिकनेस के बारे में आपको यहां पर आपको बता रहा है, फ्लैश थिकनेस के बारे में आपको बता रहा है। तीसरा है वेव्स के बारे में बता रहा है, वेव्स आर सेक्शंस ऑफ फॉर्जिंग नॉर्मल टू द मोशन ऑफ द मूविंग डाई एंड रिब्स आर द रिलेटिवली थिन सेक्शन पैरेलल टू द डाई मोशन। वेव्स क्या है? नॉर्मल टू द मोशन ऑफ द मूविंग डाई, ये वेव्स कहलाता है, और रिब्स क्या है? ये आपको रिलेटिवली थिन सेक्शन पैरेलल टू द डाई मोशन, वो आपको रिब्स कहलाता है, है ना? दीज फीचर्स आर इजीएस्ट टू फॉर्म बाय द डिफॉर्मिंग मेटल व्हेन द रिब्स आर नॉट टू हाई एंड नैरो एंड द वेव इज रिलेटिवली थिक एंड यूनिफॉर्म। ये आपको आपको बता रहा है। द पार्टिंग लाइन वेयर द डाई हेल्प्स मीट इज एन इंपॉर्टेंट डिजाइन कंसिडरेशन बिकॉज इट लोकेशन हेल्प्स टू इन्फ्लुएंस ग्रेन फ्लो डाई कॉस्ट एंड द डाई वेयर। फॉर ऑप्टिमम इकोनॉमी इट शुड बी कैप्ड टू ए सिंगल प्लेन इफ एट पॉसिबल सिंस दैट द विल मेक दैट डाई सिंकिंग फोर्जिंग एंड द ट्रिमिंग लेस कॉस्टली, है ना? पार्टिंग लाइन आपको होना चाहिए, इज एन इंपॉर्टेंट डिजाइन कंसिडरेशन, ये आपको पार्टिंग लाइन के बारे में बता रहा है। Whenever, wherever possible in the design of the forging as in the design of the casting, it is desirable to keep the thickness of the adjacent section as uniform as possible. है ना? Design of the casting में आपको thickness of the adjacent section आपको uniform रखना है. Rapid change in the section thickness should be avoided. Rapid change जो है section thickness में avoid किया जाता है ना? To avoid the defects like laps, crack generation, ये आपको अवॉइड किया जाता है ना? मोस्ट फोर्जिंग इज डन एट द एलिवेटेड टेम्परेचर, है ना? मोस्ट जो फोर्जिंग है आपको एलिवेटेड टेम्परेचर पे किया जाता है, इसीलिए जो है आपको ऑक्सीडेशन होगा, उसमें व्रेपेज होगा, इसीलिए जो है मशीनिंग अलाउंस जो है आपको देना चाहिए। एलिवेटेड टेम्परेचर पे होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, है ना? व्रेपेज होगा, मिसमैच होगा, डायमेंशनल मिस्टेक होगा, है ना? ड्यू टू द थर्मल कंडक्शन ऑफ द डाई बियर। तो इसीलिए मशीनिंग अलाउंस देना चाहिए। ये मशीन अलाउंस के बारे में है। तो आप इसमें पहला था आपको वर्टिकल सरफेस के बारे में कि टैपर होना चाहिए, दूसरा था मैक्सिमम फ्लैश थिकनेस आपको 1/4 inch से ज्यादा होना चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1/4 inch, तीसरा था वेव्स के बारे में, रिब्स के बारे में, चौथा है पार्टिंग लाइन के बारे में, पांचवा है आपको रेडियस के बारे में, है ना? डिफेक्ट को हटाने के लिए आपको डिजाइन ऑफ द फोर्जिंग में रैपिड चेंजेज इन द सेक्शन थिकनेस शुड बी अवॉइडेड, रैपिड चेंजेज आपको नहीं देना चाहिए उसके बारे में, है ना? और पांचवा है मशीनिंग अलाउंस के बारे में। फोर्जिंग जो है एलिवेटेड टेम्परेचर पे किया जाता है, इसीलिए जो है आपको मशीनिंग अलाउंस प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि डायमेंशनल मिस्टेक नहीं हो, ऑक्सीडेशन नहीं हो, है ना? वर्पेज, मिसमैच ये सब नहीं हो, इसीलिए आपको मशीनिंग अलाउंस आपको ये प्रोवाइड होना चाहिए। ये छह रूल जो है आपको था, है ना? आसान है, बहुत ही आसान है, ये पढ़ के भी आपको क्लियर हो जाता है। डिजाइन गाइडलाइंस फॉर फोर्जिंग, फोर्जिंग में एक्सट्रूजन जो प्रोसेस है वो हाई लेंथ टू डायमीटर रेशियो है, ड्राइंग है, रोलिंग है, है ना? ड्राइंग है, रोलिंग है, तो इसमें आपको फाइबर स्ट्रक्चर आपको चेंज होता है, मेटलर्जिकल चेंजेज होता है, है ना? ग्रेन स्ट्रक्चर, सेकंड फेज, ये सारे आपको होते हैं। प्रॉपर्टी आर नॉट सेम ऑन द ऑल डायरेक्शन ऑफ द मैक्सिमम शुड बी अवॉइडेड। फोर्जिंग डिजाइन प्रिंसिपल फॉर फ्लैट डाई फोर्जिंग, इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर सिलिंड्रिकल एलिमेंट शुड बी अवॉइडेड, रिब्ड क्रॉस सेक्शन शुड बी अवॉइडेड। रिब्ड सेक्शन आपको अवॉइड करना चाहिए, इंटरसेक्शन आपको अवॉइड करना चाहिए। इंटरसेक्शन आपको यहाँ पर फिगर आपको दिया हुआ है ना, रिब का, इंटरसेक्शन का, आपको ये आपको रिब है, ये साइड में जो दिखाया ये रिब है, ये रिब को अवॉइड करना चाहिए, इंटरसेक्शन को अवॉइड करना चाहिए। बॉसेस, प्रोजेक्शन, पैड्स शुड बी अवॉइडेड, है ना? फोर्जिंग में आपको डाई फोर्जिंग में
आपको रिब सेक्शन आपको अवॉइड करना चाहिए, इंटरसेक्शन को अवॉइड करना चाहिए, बॉसेस को अवॉइड करना चाहिए, प्रोजेक्शंस को अवॉइड करना चाहिए, ये जो है आपको नहीं बनाना चाहिए। ये आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है कि ये सारे अनडिजायरेबल है ना, इस तरह का शेप जो है आपको अनडिजायरेबल है वो आपको दिखाया हुआ है फोर्जिंग में, अनडिजायरेबल शेप को वो आपको दिखाया हुआ है ना। दूसरा, रिप्लेस कंपोनेंट्स हैविंग कॉम्प्लेक्स शेप बाय यूनिट्स क्रॉस कंसिस्टिंग ऑफ द सिंपल वेल्डेड और असेंबल एलिमेंट्स। कॉम्प्लेक्स शेप जो है वो आप फोर्जिंग में नहीं बनाना चाहिए है ना, उससे अच्छा है कि आप सिंपल वेल्डेड और असेंबल कंपोनेंट आप उसका बनाइए, फोर्जिंग में कॉम्प्लेक्स शेप आपको नहीं बनाना चाहिए, ये उसके बारे में बता रहा है। दूसरा है, डिजाइन प्रिंसिपल फॉर द फोर्जिंग मशीन, फोर्जिंग मशीन का आपको डिजाइन प्रिंसिपल के बारे में बता रहा है। द वॉल थिकनेस ऑफ द फोर्जिंग विद द डीप थ्रो और द ब्लाइंड होल शुड नॉट बी लेस देन 0.15 ऑफ द आउटसाइड डायमीटर। रिडक्शन इन द क्रॉस सेक्शन अलोंग द लेंथ ऑफ द फोर्जिंग शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दे इंपेड मेटल फ्लो ड्यूरिंग द फोर्जिंग प्रोसेस। Shanks of the taper form also difficult to forge and they should be replaced by the cylindrical shanks. Volume of the located and the ends in the middle of the forging must not exceed the volume of a bar having the given diameter and the length. है ना, ये आपको दिया हुआ है। Draft for this type of the forging may be very small. है ना, draft को आपको 0.5% suitable for the cylindrical section of the forging आपको ये रखना चाहिए, है ना, and length more than 1.5 of the diameter, ये आपको यहाँ पे आपको रखना चाहिए। ए draft of the 0.1 to 1.5 is suitable for the shoulders formed in the circular impression die and 0.5 to 3 degree in case of the wall of the blind holes. Transition from one surface to the another must have fillets and radii from the 1.5 to 2 mm. Carbon and alloy steel फास्टनर एंड द सिमिलर पार्ट हैविंग द एनिल हार्डनेस, ये आपको BHN का ये आपको होना चाहिए, है ना। इन कोल्ड हेडिंग द हेड शुड बी सिंपल फॉर्म विथ ए मिनिमम वॉल्यूम ऑफ एन डायमीटर, क्लोज टॉलरेंस शुड नॉट बी स्पेसिफाइड फॉर द हेडेड पार्ट एज द डाई लाइफ विल बी रिड्यूस्ड। फिलेट रेडियाई 0.2 mm टू बी प्रोवाइडेड एट ऑल कॉर्नर्स, ये आपको होना चाहिए। डिजाइन गाइडलाइंस फॉर द एक्सट्रूडेड सेक्शंस, एरिया ऑफ बिलेट एंड एक्सट्रूजन और कॉरस्पॉन्डिंग डायमीटर टू बी कंसिडर्ड, है ना। इंजीनियरिंग स्टैंड आपको इस तरह निकाला जाएगा, स्टैंड रेट इफेक्ट टू बी कंसिडर्ड, स्टैंड रेट आपको निकालना चाहिए आपको एक्सट्रूडेड सेक्शन में, है ना, ये आपको बता रहा है। हॉट एक्सट्रूजन टेम्परेचर एंड इट्स इफेक्ट ऑन ऑक्सीडेशन फ्लो ऑफ मटेरियल सरफेस फिनिश, ये सारे आपको कंसिडर करना चाहिए। सेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ द एक्सट्रूजन, कोल्ड हॉल्ट इम्पैक्ट और हाइड्रोस्टेटिक, है ना, इस तरह का होगा। सिलेक्शन ऑफ द एक्सट्रूजन प्रोसेस बेस्ड ऑन द मटेरियल, सॉफ्ट मेटल के लिए इंपैक्ट एक्सट्रूजन होगा, स्टील के लिए हॉट एक्सट्रूजन होगा, डक्टाइल मटेरियल के लिए कोल्ड एक्सट्रूजन होगा, जर्कोनियम अलॉय के लिए आपको क्लेडेड एक्सट्रूजन होगा, है ना। तो ये आपको सिलेक्शन ऑफ द एक्सट्रूजन प्रोसेस के बारे में आपको यहां पर बता रहा है कि आपको सॉफ्ट मेटल के लिए इंपैक्ट एक्सट्रूजन होगा, स्टील के लिए हॉट एक्सट्रूजन होगा, डक्टाइल के लिए कोल्ड एक्सट्रूजन होगा और जर्कनियम एलॉय के लिए क्लेडेड एक्सट्रूजन होगा। तो ये आपको यहाँ पर आपको बताया गया है ना। एक्सट्रूजन डिजाइन टिप्स, ये आपको एक्सट्रूजन के लिए जो डिजाइन टिप्स है वो 11 आपको दिए हुए हैं, 11 टिप्स आपको दिए हुए हैं, है ना। Based on the strength and the cost profile with the uniform wall thickness are the simplest to produce. Wall thickness with a profile can be varied. Profile usme aapko vary kiya jayega. Radii used corner, soft lines should be used. Be symmetrical. Hamesha symmetrical part produce karna chahiye. Hai na? Symmetrical part jo hai banana chahiye. Ye uske baare mein bata raha hai. Have a small subscribing circle. Circle jo hai aapko subscribing kam hona chahiye. Uske baare mein aapko bata raha hai. Not have deep narrow channels, deep or narrow channels आपको नहीं होना चाहिए। Solid profile is possible, fewer cavity in the hollow profiles, है ना। Decoration होना चाहिए, symmetrical shape होना चाहिए, narrow shape with the deep gaps can be cause problem, ये आपको यहाँ पर आपको बता रहा है। अब मैं जिस जो बाद में आए हैं उनका attendance मैं ले लूँ, बाद में
चंदन जी ज्वाइन कर रहे थे वो भी ज्वाइन नहीं कर पाए, है ना। कार्तिक जी ज्वाइन किए हैं, कार्तिक जी का मैं ले लूं आपका, उनका अटेंडेंस ले लूं। जी सर, तो जो जो प्रेजेंट है 41 शिखर जी इज प्रेजेंट, 39 रौनक जी इज प्रेजेंट, 12 दीपांशु जी इज प्रेजेंट, हिरदेश जी 19 इज प्रेजेंट, कार्तिक जी 24 इज प्रेजेंट, राखी कुमारी जी 37 इज प्रेजेंट, आशीष जी 7 इज प्रेजेंट। ये आपको जो भी रूल्स बताए गए हैं ये सारे गाइडलाइंस हैं, फोर्जिंग डाई डिजाइन में आपको यूज होते हैं, और ये आसान आसान रूल है। और दूसरा, मैं इसके लेक्चर के बाद मैं आपको वीडियो भेज देता हूं, तो आप वीडियो से भी आप उसको देख करके वो समझ सकते हैं कि क्या क्या जो है आपको लेक्चर में लिया गया है उसका, आपको लेक्चर नोट आपके पास है ही, तो वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या जो है लिया गया है और क्या क्या उसमें बताया गया है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको डिजाइन के जो जो रूल है वो आपको यहाँ पर आपको आपको बताया जा रहा है ना। डिजाइन गाइडलाइंस फॉर द सीट मेटल बेंडिंग, सीट मेटल बेंडिंग में क्या क्या गाइडलाइंस हैं उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। मिनिमम इनसाइड रेडियस इक्वल टू द मटेरियल थिकनेस, जो इनसाइड रेडियस आपका होगा वो मटेरियल थिकनेस के आपके बराबर होगा, ये आपको गाइडलाइंस है। बैंड रेडियस 4 to 8 टाइम्स मटेरियल थिकनेस टू अवॉइड द क्रैकिंग, जो आपको बैंड रेडियस होगा मटेरियल थिकनेस का 4 to 8 टाइम्स होगा शीट मेटल बैंडिंग में। शीट मेटल बैंडिंग में ये गाइडलाइंस है कि जो बैंड रेडियस होगा वो 4 to 8 टाइम्स होगा मटेरियल थिकनेस का, है ना। इनसाइड रेडियस जो होगा वो आपको मटेरियल थिकनेस का मिनिमम आपका इक्वल होगा, ये आपको दिया हुआ है। मिनिमम फ्लैंज लेंथ 4 टाइम्स द मटेरियल थिकनेस, जो फ्लैंज का लेंथ होगा शीट मेटल में मिनिमम आपका 4 टाइम्स द मटेरियल थिकनेस, ये 4 टाइम्स द मटेरियल थिकनेस आपका होगा। बैंड रिलीफ लेंथ ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द बैंड, ये होगा। एंड द बैंड अलाउंस कितना होगा, ये बैंड अलाउंस आपको निकालने का फॉर्मूला आपको यहां पर आपको दिया हुआ है। बैंड अलाउंस का एलबीए अल्फा आरबी प्लस केटी, अल्फा इज द बैंड एंगल, आरबी इज द बैंड रेडियस, और के का वैल्यू आपको दिया हुआ है, एंड थिकनेस का वैल्यू कितना होगा, आरबी कितना होगा, ये आपको यहां पर आपको दिया हुआ है। बैंड अलाउंस बेंडिंग में कितना दिया जाएगा, बेंडिंग शीट मेटल बेंडिंग ऑपरेशन में ये बैंड अलाउंस निकालने का फॉर्मूला आपको यहां पर आपको बताया हुआ है।